हाय आज के इस वीडियो में आप ये सीखने वाले हो कि आप कैसे जो ये इतने टाइम का जो प्रॉब्लम है ना कि यार मैं कैसे पोजिस दूँ कपल को कैसे मैं शादियों में जाके पोजिस दूँ मैं क्या करूँ कि ना मैंने मेरे को पोजिस करने को आ जाए उस सब के बारे में डिटेल में आप इस वीडियो में जान जाओगे स्टार्ट टू एंड सारी टेक्निक्स कि क्या होता है कैसे होता है कैसे आप एकदम फ्लॉलेसली एकदम एफर्टलेसली जो कपल पोजेस है वो दे सकते हो ये समझ जाओगे जब ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है तो यार लाइक दिस वीडियो शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि की? ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं एंड काफ़ी सारे वीडियोज़ अभी भी आने वाले हैं अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी और फोटोग्राफी में मास्टर ही करना चाहते हो तो फिर क्यों नहीं इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए जब हम बात करें वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में तो सबसे पहली चीज़ होती है कपल कपल की तो शादी है इनकी तो शादी होने वाली है अभी अगर इनके फ़ोटोज़ खींचने में आपने डे खा लिए वहाँ पे आप गलत हो गए तो आप चाहे कितना भी करो पर वो जो है ना एक बार आप ब्राइडल फोटोग्राफी आगे पीछे कर रहे हो या ग्रूम फोटोग्राफी कर रहे हो तो शायद वो इतना इतना ना भड़के पर जो मेन है पहला तो लोग यही मांगेंगे ना कि कपल की फ़ोटो भेजो कपल की फ़ोटो चाहिए क्योंकि वही मेन है वही हीरो हीरोइन है पूरी शादी के राइट द वे आपको ब्राइडल फोटोग्राफी में अगर इंटरेस्ट है वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर है आप उसको देख सकते हो जब हम बात करें कपल फोटोग्राफी के बारे में तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्वेशन ये देख लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये लोग कौन हैं कहाँ से आए हैं और इनके बीच में जो केमिस्ट्री है जो लव स्टोरी है वो क्या है अभी ये मैं क्या बोल रही हूँ देखिए अगर आप किसी के वहाँ पे काम कर रहे हो ठीक है या फिर आप फ्री लैंसिंग एक्सपोजिंग कर रहे हो फ्री लैंसिंग कर रहे हो ठीक है या तो फिर आप खुद एक बिजनेस ऑन्टरप्रन्यर हो आपका खुद का ये फोटोग्राफी का बिजनेस है और आप लोगों के साथ बात कर रहे हो कपल के साथ बात कर रहे हो इंडिया में ना ये प्रॉब्लम है लोग ना एवं शादियों में चले जाते हैं फोटोग्राफी करने को हाँ हाँ वो मेहता जी की शादी है अच्छा हाँ हाँ वो शर्मा जी की शादी है अरे ये तो जान लो कि वो जो शर्मा जी है या मेहता जी गुप्ता जी जो भी है उनकी जो फैमिली में है जिसकी शादी है वो कौन है कभी कभी तो लोग शादी के मंडप में पहुँचते हैं वहाँ पर पता चलता है अच्छा इनकी शादी है अच्छा उनकी शादी है कभी कभी तो किसी और की शादी में भी पहुंच गए हैं ऐसे भी मैंने काफ़ी लोग देखे हैं उनको कपल का नाम नहीं पता सिर्फ होटल का रूम पता है वहाँ पे पहुँच गए और गलत रूम में भी पहुँच जाते हैं आपको कपल को जानना पड़ेगा जिनकी शादी है उनको जानिए कौन है ये लोग इनके बीच में जो लव स्टोरी थी वो क्या है इनके बीच में जो केमिस्ट्री है मतलब तो क्या ये लोग बड़े ही सीरियस लोग हैं बड़े शांत लोग हैं या फिर एकदम ही जुनूनी एकदम एम्बिशियस इंसान है या तो फिर एकदम मस्ती वाला हंसमुखा कपल है या तो फिर बड़े ही रोमांटिक फिल्मी लोग हैं कैसे लोग हैं इनकी प्रेफरेंसेस क्या है और आप ये कैसे जानोगे सबसे पहले तो ये लोग कहाँ रहते हैं इनका क्लास इनका कास्ट ठीक है ये सारी चीज़ें आपको जाननी है कभी कभी आप जो जहाँ पर जन्म लेते हो जहाँ से आ रहे हो इसमें आपका स्वभाव छुपा हुआ रहता है फिर आप जिनके साथ शादी करते हो उनके साथ आपकी एक केमिस्ट्री होती है दो डॉक्टर शादी करते हैं तो कभी दो इंजीनियर शादी कर लेते हैं तो कभी ऐसा होता है कि दो अलग ही लोग हैं मतलब एक है जो बिज़नेस वाला इंसान है दूसरा है जो जॉब वाला इंसान है तो आपको ये समझना है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं इनके बीच में जो स्टोरी है मतलब ये सालों साल टिके हुए लोग हैं मतलब दस बारह साल से रिलेशनशिप में थे और अब इनकी शादी हो रही है और या तो फिर अभी बस थोड़े टाइम पहले ही अरेंज मैरिज के थ्रू मिले हैं कैसे मिले है ये लोग ये सब का जो आपको मैं बोल रही हूँ ना ये जानना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है कि आपको इनके साथ कैसे बिहेव करना है आपको उनको ही मिमिक करना है अगर वो सीरियस लोग हैं शांत लोग हैं तो आपको भी वैसे ही आपका स्वभाव रखते रखते उनके पास वैसी फ़ोटोग्राफी करवानी पड़ेगी अगर ये लोग बड़े ही हैं के लोग हैं ऐसे हंसते रहते हैं रोमांटिक लोग हैं आपको भी आपका नेचर थोड़ा सा वैसे शिफ्ट करना पड़ेगा मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि बदल जाओ पर उनके हिसाब से थोड़ा बदलना और फिर उनको उनके लिए कम्फर्ट कर देना उनके लिए कम्फर्ट छोड़ देना यही हमारा मेन था कि आपने उनके लिए ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया कि आपके साथ वो फोटोग्राफी करवाने में हिचकिताते नहीं हैं और उनके बड़ा मज़ा आ रहा है और आप भी उनको बड़े ही फ्लॉलेसली समझ रहे हो कि ठीक है इनका नेचर ऐसा है मैं कुछ ऐसे ही पोजिस दूँ फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंसान बहुत ही शाय है बड़े ही सीरियस लोग हैं तो थोड़े से सिंपल पोजेज दीजिए ठीक है थोड़े से सीरियस टाइप एकदम सिंपल पोजेज दीजिए जहाँ पे उनको कुछ ज्यादा करना ना पड़े थोड़ा सा ट्रेडिशनल फील भले ही हो मतलब हाथ में हाथ पकड़ना एक दूसरे की आंखों में देखना पीछे से पकड़ना आगे से पकड़ना ये सारे नॉर्मल पोजेज दो शायद यहाँ पर ही उनको अच्छा लगेगा फिर उसमें आप ऐसा एकदम फनी फनी फोटोज करवाओगे उनको ऑकवर्ड लगेगा और वो बोलेगी कि नहीं हमको ये नहीं जम रहा है वो आपको बोल दे कि हमको ये नहीं जम रहा है फिर आपको ऑकवर्ड लगेगा कि मैं कैसे अब उनको इनको कुछ करना ही नहीं है कोई भी शादी हो कोई भी शादी हो किसी की भी शादी हो सबको फोटो खिंचवाना तो है ही कपल फोटो तो सब खिंचवाएंगे कोई लोग ज़्यादा खिंचवाएंगे कोई लोग कम खिंचवाएंगे डिपेंड करता है कि उनको फोटोज़ में इंटरेस्ट कितना है मेन ये है कि आप ऐसे होशियार फोटोग्राफर बनो कि उनके पास से वैसे फ़ोटोज़ ले तो लो ठीक है पहले जो है कि सीरियस कपल है तो उनको सीरियस पोजेज़ दे दिए अगर फनी कपल है एकदम रोमांटिक कपल है तो उनको ऐसे ही ऐसे ही पोजेज़ दो जहाँ पे वो रोमांटिकली यू you नो know, एक दूसरे की आंखों में देखना या एकदम प्यार भरी बातें करना वो सब वो लोग करेंगे और वहाँ पे ही आपको फोटोग्राफी करनी है ये पहली बात बात है दूसरी बात ये आती है कि अब ये कपल का आपने केमिस्ट्री तो जान लिया तो फिर आपके माइंड में उस टाइप के कुछ पोजेज़ होने चाहिए मैंने काफ़ी बार अपनी चैनल में कहा है कि यार देखिए आपको एक पोजिंग चार्ट बनाना है पोजिंग चार्ट होता क्या है और कैसे बनता है वो अब आप समझोगे पोजिंग चार्ट बनाने के लिए दो चीज़ें हैं दो ऐप्स एक्चुअली एक है इंस्टाग्राम दूसरा है पिंटरेस्ट ये जो दो ऐप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अलग अलग पोजेज़ जैसे ही आप पिंटरेस्ट पे लिखोगे कपल पोजिंग आइडियाज़ कपल पोजिंग टेक्निक्स बहुत सारे भर के पोजेस खुल जाएंगे साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी फोटोग्राफर्स को देखोगे वेडिंग फोटोग्राफर्स को देखोगे बाय द वे आप हमारा भी वेडिंग फोटोग्राफी का जो पेज है इंस्टाग्राम पर वो यहाँ पर लिंक किया हुआ है उसको खास देखेगा ऐसे सारे जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं, जहाँ पे आपको वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स मिलेंगे या तो फिर प्रिंट्रेस पे वेडिंग फोटोग्राफ़ी की आइडियाज़ मिलेंगी ये सारे में कपल पोजेज़ जो होते हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए जो भी पोजेज़ आपको पसंद आते हैं वो फ़नी फ़ोटोज़ भी हो सकते हैं वो एकदम सीरियस फ़ोटोज़ हो सकते हैं वो रोमांटिक फ़ोटोज़ हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है ये सारे फ़ोटोज़ का स्क्रीन लीजिए अभी ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने फ़ोन के अंदर गूगल फोटोज या गूगल ड्राइव बना के वहाँ पे ये सारे फोटोज रखिए जब भी आप वेडिंग फोटोग्राफी करने जाए ये सारे जो कपल पोजेस का जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और अपने जो कपल है उसको ये सारे फोटोज दिखाइए कि देखो आप ऐसे कुछ ट्राई करो आप वैसे कुछ ट्राई करो जब आप उनको ये पोजेस दिखाओगे वो ऑटोमेटिकली वैसे खड़े रह जाएंगे और आप वैसे फोटोज ले सकते हो पता यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये सुनने में बड़ा आसान लगता है पर इश्यू ये आ जाता है कि लोगों को ना ये नहीं समझ में आता है कि मेरे पास इतने सारे पोजेज हैं मैं इनको कौन सा पोज दूँ <laughs> क्योंकि आप फ़नी फोटोज़ भी है तो सीरियस लोगों को आपने फ़नी फोटोज दे दीजिए फ़नी फोटोज को फ़नी वाले जो लोग हैं मतलब जो रोमांटिक uh, लोग हैं उसको आपने सीरियस फ़ोटो दे दिए ऐसा जब गुफ अप करोगे दो तो दो, दो, दोनों जन आप पे भड़क जाएंगे सीरियस वाला इंसान बोलेगा अरे मेरे को फनी नहीं जमेगा और जो रोमांटिक कपल होगा वो ऐसा बोलेगा अरे ये तो आपने बहुत ज़्यादा सीरियस दे दिया हमको तो कुछ फ़नी वनी कराओ ना आप यहाँ पे फंस जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा लूज़ आपको आपका कॉन्फिडेंस हाई रखना है आपको ये दिखाना है कि आपको काफ़ी कुछ आपको आप उनको करवा सकते हो आपकी कॉन्फिडेंस पे ही तो आपको वो काम दिया है और आपके साथ उनको मज़ा आएगा फोटोग्राफी करने को आपको खुद को ही नहीं पता कि उसको क्या देना है तो फिर आप कैसे फोटोग्राफी करोगे और कैसे उनको आप भरोसा होगा तो इसके लिए आपको जो आपकी जो लिंक है वो उसी हिसाब से क्रिएट करनी है कि देखो ये हल्दी पोजेज़ है हल्दी के लिए ये फ़ोटोज़ चलेंगे हल्दी के अंदर फ़नी फ़ोटोज़ ऐसे होंगे सीरियस फ़ोटो ऐसे होंगे वेडिंग का है तो वेडिंग में फ़ॉर्मल फ़ोटोज़ ऐसे होंगे इनफॉर्मल फ़ोटोज़ ऐसे होंगे फ़नी ऐसा होगा कपल के साथ कपल के फ़ैमिली वालों के साथ ऐसा फ़ोटोज़ होगा ऐसे अलग 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 फोल्डर्स बनाने हैं ऐसे अलग अलग आप अगर फोल्डर बनाओगे और फोल्डर के हिसाब से अगर कपल को दोगे आपका माइंड भी सॉर्टेड होगा और उनको भी सही लगेगा अभी यहाँ पे भी और एक गलती हो जाती है यहाँ पे जब आपके पास सारे फोल्डर्स रेडी है और आप ये फोल्डर्स के हिसाब से कपल को फ़ोटोज़ दे रहे हो और उनको दिखा रहे हो, हो रहा है काम आपका पर यहाँ पर भी ना और एक गलती हो रही है गलती क्या है कि आपने यही नहीं देखा कि क्या ये फ़ोटो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है जो पता नहीं कौन से यूएस की कंट्री में फ़ोटो खींचा हुआ है क्या ये फ़ोटो ये कपल और यहाँ के लोकेशन के हिसाब से और इनके बॉडी के शेप के हिसाब से या इनकी जो रोमांस है उसके हिसाब से एग्जैक्ट चलेगी या नहीं चलेगी लोग क्या करते हैं अभी बनाया है तो ये दे ही दो ये दे ही दो फिर एकदम ये अजीब सा फ़ोटो आता है आपको ये थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा पड़ेगा। और आपके हिसाब से सा मॉडिफाई करना फॉर एग्जाम्पल अगर कपल बहुत ही हेल्दी है और आपने ऐसा बोल दिया लड़के को कि एकदम लड़की को पीछे से ऐसा पकड़ लो पकड़ेगा कैसे दोनों जन हैवी है कितना अनकंफर्टेबल होगा आपको थोड़ा सा उसको चेंज करना है ठीक है कि आप हाथ आगे कर लो पीछे कर लो थोड़ा सा आपको आपके हिसाब से उनके बॉडी के शेप के हिसाब से उनके फेस कट के हिसाब से उनकी केमिस्ट्री के हिसाब से और वहाँ पर जो लोकेशन है उसके हिसाब से थोड़े से चेंजेस करने ही पड़ेंगे करोगे तभी तो सारा कुछ होगा तभी तो कुछ ऐसा कंपोजिशन वगैरह कुछ होगा राइट ये एक बात है अगर आपको कोई पोजिंग चार्ट चाहिए कि आपको ऐसी ही कोई पोजिंग चार्ट मिल जाए आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफी एजुकेटर्स के इंस्टाग्राम पे प्लीज़ डीएम कीजिए और वहाँ से आप जो है हमारा डीएम कर देना कि हमको ये पोजिंग का चार्ट चाहिए और आपको वहाँ पे चार्ट मिल जाएगा आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो पर आई पर्सनली सजेस्ट आप ख़ुद से पे या पे जाके वो जो है पूरा पोजिंग चार्ट बनाइए ज़्यादा सही रहेगा आपने कपल की पोजिंग समझ ली आपने कपल की जो केमिस्ट्री है वो समझ ली आपको पता चल गया कि यार मैं ये मैं ये कपल को ना ऐसे पोजेस दूँगा मैं ऐसे खड़ा रखूँगा इनकी केमिस्ट्री ऐसी है वगैरह वगैरह तीसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो कपल है वो कहाँ पर खड़ा है ये लोकेशन क्या है जो लाइटिंग सिचुएशन है वो क्या है एक्चुअली ये दो पॉइंट है सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में लोकेशन के बारे में आपको ये जानना है कि ये शादी कहाँ पर हो रही है लोगों का यही प्रॉब्लम है कि अगर स्टेज पे हो रही है तो जो स्टेज है वहाँ पे फ़ोटो खींच लो आ, ये बड़ा ही ट्रेडिशनल अप्रोच है कि भाई स्टेज पे कपल आया है चलो लगाओ कैमरा यहीं पर दस बारह फोटो छाप दो निकलो आपका काम है आपका एज ए फोटोग्राफर काम है वो पूरी जगह को शांति से देख लेना कहाँ कहाँ पे एकदम डार्क बैकग्राउंड मिल रहा है आपको उसको ध्यान में रखिए कहाँ कहाँ पे आपको एकदम ग्रैंडी और लोकेशन मिल रहा है उसको ध्यान रखिए अगर आप गांव में भी शादी कर रहे हो वहाँ पर भी आपको ऐसी जगह मिलेगी मैंने खुद ने गांव में शादियाँ की है ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है वहाँ पर भी आपको ऐसा कोई लोकेशन तो बिल्कुल मिल जाएगा जहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनरी हो या फिर पूरा जो है आसमान हो और नीचे सिर्फ रेत हो कुछ तो मिलेगा ऐसी सारी जो सिचुएशन है जहाँ पे आपको ये फिगर आउट करना है कि मैं कैसे क्रिएटिवली ये फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तब आपको कपल को बोला है कि देखिए आपको आधा घंटा या पौना घंटा हमको देना पड़ेगा और लोग देते हैं वो लोग आपके पास आएंगे और आपको अलग अलग लोकेशन पे उनको जाके फोटोग्राफी करनी है तो कोई डार्क बैकग्राउंड में आप फ़ोटो लोगे कोई ग्रीनरी में आप फोटो लोगे तो कभी कोई एकदम ग्रैंडी और लोकेशन में आप फ़ोटो लोगे ऐसा लगेगा जैसे आपने पूरा लोकेशन जो था जो पूरा लोकेशन जहाँ भी आपको अच्छा मिले वहाँ वहाँ जहाँ जाकर आपने फोटोग्राफी की है और आप मानोगे नहीं आपकी सबसे बेहतरीन फोटोग्राफी होगी कपल भी खुश होगा और जब वो फोटो का रिजल्ट देखेगा उनको लगेगा यार ये ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने मेरी शादी का फोटो है ऐसा लगेगा कहीं और ही लोकेशन में जा जाके उनकी फोटोग्राफी की हुई है आपका माइंड अलर्ट होना चाहिए और मेन तो आपको ये पूरा लोकेशन छान के बैठना चाहिए लोकेशन चाहे अफलातून हो या एकदम ओके हो इंसान की जब लाइटिंग सही होती है वैसे लाइटिंग के लिए ऑलरेडी हम लोग ने मास्टर एडवांस जो क्लास था हमारा मास्टर क्लास वीडियो था वो डाला हुआ है चेकआउट कर सकते हो काफी लोगों को वो पसंद आया है वैसे पर जब मैं लाइटिंग की बात करूँ लाइटिंग एक ऐसी चीज़ है चाहे आउटडोर इनडोर हो लाइटिंग के राइट गेयर मतलब या तो एल लाइट हो फ्लैश लाइट हो जो भी हो या तो फिर वो आउटडोर की लाइट हो रिफ्लेक्टर हो जो भी हो ये सारी चीज़ों का इंसान के पास जब राइट नॉलेज होता है और उनको पता है कि उनको क्या रिजल्ट चाहिए एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा क्या फोटोग्राफी करनी है जब आपके माइंड में ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तब जाके आप ये जो लाइटिंग की थियोरी है वो यूटिलाइज कर करके वही पोज वही पोज को अलग अलग एंगल से ले सकते हो ऐसे ही वो खड़े हैं जैसे अभी खड़े हैं पर लाइटिंग की चेंज करके मतलब अभी लाइट सामने से थी अभी लाइट साइड से हो गई उसी लाइट को चेंज करके ऐसा लगता है जैसे फ़ोटो ही चेंज हो गया पोज वही था पर आपने लाइटिंग चेंज करके पूरा का पूरा वो चेंज कर दिया वही पोज था और बैकग्राउंड चेंज कर कर करके वो नया लगता है ऐसे ही आपको वेरिएशन करना है पोजेज़ आप चाहे हज़ार ना दो पर जो लाइटिंग और कंपोजिशन है जो बैकग्राउंड है अगर उसको चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी फोटोग्राफी है उसमें चेंजेस आ जाएंगे और मैं ये जात जानती हूँ कि इससे भी और एक इम्पॉर्टेंट काम है और वो ये है कि इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकी फोटोग्राफर्स के साथ जो वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर अपना रंग जमाना चाहते हैं बाय द वे थैंक यू सो मच सी यू सोन